दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ज्यादा विशेष विधि के बारे में, बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक उपाय के बारे में, जिसका प्रयोग करकर आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वही पा सकते हैं। ऐसी ही कुछ बहुत ही आसान सी विधि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसका प्रयोग अगर आप बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, जिस प्रकार हम आपको बताएंगे, तो निश्चित ही जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पूरे दिन में एक समय ऐसा होता है जिस समय माँ सरस्वती आपकी जबान पर बैठी होती है और जो भी आप मांगते हैं, जो भी आप कहते हैं, वह निश्चित ही पूरा हो जाता है। इस बात के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस प्रयोग की विधि कोई भी नहीं जानता है। काफी कम लोग ही होते हैं जो इस बारे में जानते हैं, तो यही विधि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, जिसका आप भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि काफी लोग हमसे कमेंट बॉक्स में ईमेल कर पूछते रहते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, तो उन सभी के लिए यह प्रयोग विधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। एक ऐसा समय है जिस समय आपकी जबान पर सरस्वती माता बैठी होती है, जिस समय आप कुछ भी मांग सकते हैं और वह निश्चित ही पूरा भी होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों, जितनी भी बातें हम आपको बताएं, आप उन्हें पूरा अच्छी तरह से देखकर समझकर ही इस प्रयोग को करें, तभी आपको इसके महत्वपूर्ण रिजल्ट सफलताएं मिलती है। क्योंकि अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो यह प्रयोग काम नहीं कर पाता है। इसीलिए अच्छी तरह से समझकर इस प्रयोग को पूरा करें। अब काफी प्रयोग होते हैं जिसमें किसी भगवान को प्रसन्न करना होता है, गुरु को प्रसन्न करना होता है, या फिर मंत्र का प्रयोग होता है, यंत्र का प्रयोग होता है, लेकिन यह विधि एकमात्र ऐसी विधि है, ऐसा प्रयोग है जिसमें किसी को भी आपको प्रसन्न नहीं करना है, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही किसी मंत्र का, ना यंत्र का और ना ही किसी तंत्र का। इस विधि में सिर्फ अपने ध्यान का प्रयोग करें। पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट का समय आपको मिलता है, जिस समय आप अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हैं, उन्हें पूरा करवा सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल शांत तरीके से ही होना चाहिए। पूरी बातों को अच्छी तरह से समझें। जितनी भी बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सफलता दिलाने वाली साबित होंगी। इस बारे में तो सभी लोगों ने सुना भी है, जानते भी है कि पूरे दिन में एक ही समय होता है जिस समय इच्छाएं पूरी होती है। वैसे तो आप इस प्रयोग को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा डबल होनी चाहिए। अब ऐसा काफी लोगों के साथ नहीं होता है, तो इसीलिए आपको यह प्रयोग सिर्फ रात में ही करना है। दोस्तों, अब रात का समय 3:10 से लेकर 3:20 तक ऐसा समय है जिस समय आप इस प्रयोग को करते हैं, तो निश्चित ही जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। जो इच्छा आप मांगेंगे वह निश्चित ही पूरी होती है। इस समय को नोट कर रख लें। रात के 3:10 से लेकर रात के ही 3:20 तक आपको यह समय 10 मिनट का मिलता है। अब इस प्रयोग को करने की विधि है। जो भी इच्छा आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उनको सबसे पहले आप एक पेज पर लिख लें। यह लगातार आपको रोज रात को ही 21 दिनों तक करना है। पेज पर लिखने की प्रक्रिया आपको एक ही बार करनी है, जिससे आप उस चीज को, उस मनोकामना को, इच्छा को अच्छी तरह अपने मन में बिठा सके। दोस्तों, अब रात के 3:10 पर आपको जमीन पर बैठ जाना है। कोशिश करें आपके आसपास कोई भी ना हो, बिल्कुल शांत तरीके से, शांत मन से आपको यह प्रयोग करना है। जितना भी आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं, टेंशन में हैं या किसी भी तरह का दुख है आपको, तो उसे बिल्कुल भूल जाए। सिर्फ आपको याद रखना है, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसको ही आपको अपने मन में याद रखना है। यह समय जो हमने आपको बताया है बड़ा ही शक्तिशाली समय है। इसी समय आप जो भी मांगते हैं वह निश्चित ही पूरा होता है। ये प्रयोग करने के लिए आपको जमीन पर बैठ जाना है और किसी भी ऊनी आसन का प्रयोग आपको करना है। वैसे ही किसी भी कपड़े का प्रयोग आपको नहीं करना है, सिर्फ ऊनी आसन का प्रयोग आपको करना है। कोई भी ऊनी आसन किसी भी रंग का आपको मिलता है, उसको ले ले और ध्यान रखें कि नया आसन ही आपको लेना है। पहले से इस्तेमाल किया हुआ आसन आपको नहीं लेना है। इस प्रयोग को करने से पहले अपने मुंह, हाथ और पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें। अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारकर आंखों को अच्छी तरह साफ कर लें।
और उस आसन पर बैठ जाए। दोस्तों 3:10 से ये प्रयोग शुरू करना है, 3:20 पर यह प्रयोग खत्म करना है, और जब आप बैठेंगे उस आसन पर तो बिल्कुल आपको अपनी रियर की हड्डी सीधी रखनी है। इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि झुककर आपको नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा होकर ही आपको बैठना है। ऐसा बैठकर आप लंबी सांसें आपको लेनी है और अंदर तक रोकनी है। जितना देर तक आप रोक सकते हैं उतना देर तक रोके और उस सांस को फिर छोड़ दे। ऐसा करने से आप बेहद रिलैक्स महसूस करेंगे, किसी भी तरह के गलत ख्याल या कोई और विचार आपके मन में नहीं आएंगे। दोस्तों अब जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने अपने पेज पर लिखा है, उसी को आंखें बंद कर अपनी दोनों आंखों के बीच में देखते हुए बोलना है। 10 मिनट का आपके पास समय है। इसी प्रकार आपको यह प्रयोग करना है। इस प्रयोग को करते समय आपको ध्यान रखना है, किसी और तरह का विचार आपको नहीं आना चाहिए। अपनी इच्छा के सिवाय यानी कि उस समय सिर्फ आपकी इच्छा और मनोकामना ही आपके मन में और तन में ध्यान होनी चाहिए। इसीलिए हमने पहले आपको बताया है, किसी भी तरह का दुख है, टेंशन है, डिप्रेशन है या किसी चीज को लेकर चिंता में है तो उन्हें भूल जाएं। जो तरीका हमने आपको रिलैक्स होने के लिए बताया है उसे आप कर सकते हैं। लंबी सांसें अंदर लेकर जितना देर तक आप रोक सकते हैं रोक कर रखे हैं, फिर छोड़े। ऐसा करने से आप रिलैक्स महसूस करेंगे और जब आप अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे तभी आप इस प्रयोग को करें। अपनी इच्छा को, मनोकामना को अपनी दोनों आंखें बंद कर अपनी दोनों आंखों के बीच में अंदर ही अंदर देखते हुए यह इच्छा और मनोकामना आपको बोलनी है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको बोलना है। ध्यान रखें आपकी रियर की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही अपने पास आप एक ग्लास में पानी भरकर रखें। ज्यादा ठंडा नहीं रखना है, ज्यादा गर्म नहीं रखना है, बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा आप पीते हैं, रूम टेम्परेचर वाला पानी अपने पास साफ गिलास में भरकर रखना है। यह प्रयोग करने से पहले ही आपको यह गिलास रखना है अपने पास और जैसे ही 3:20 होते हैं उसी समय आपको यह पानी पी लेना है। एक सांस में एक घूंट में वहीं पर बैठे बैठे आपको पी लेना है। ध्यान रखना है आपकी रियर की हड्डी जब तक मुड़नी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 3:10 से लेकर 3:20 तक रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। लगातार यह प्रयोग रोज रात को उसी समय 21 दिनों तक करना है। दोस्तों किसी भी तरह का मंत्र प्रयोग नहीं है, ना ही यंत्र का इस्तेमाल है, ना ही तंत्र का इस्तेमाल है, सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान का इस्तेमाल इसमें होता है। यही वो समय है जो आप मांगेंगे, जिसकी आप इच्छा करेंगे। जो भी आपकी मनोकामना है वह निश्चित ही पूरी होती है। जिस प्रकार हमने आपको यह प्रयोग बताया है यह कोई आपको नहीं बता पाएगा। जो हमने आपको अच्छी तरह से समझाया है उसे अच्छी तरह से पूरा वीडियो पूरी तरह देखकर ही अच्छी तरह इस प्रयोग को करें, क्योंकि इसके बहुत ही अधिक और कई गुना लाभ मिलते हैं। जो भी इच्छा है, मनोकामना है, निश्चित ही 100% सफल होती है। इस प्रयोग को करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आप चाहे तो पूर्व दिशा की ओर भी मूव कर सकते हैं, बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना है। यही वो समय है जो आपको आपके हर कार्य में सफलता दिला सकता है। वैसे तो यह तरीका किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए, जो काफी लोगों की नहीं होती है। और रात का जो ये समय है बिल्कुल शांत समय होता है, बिल्कुल पवित्र और दिव्य शक्तियों से भरपूर समय होता है। इसी समय अगर आप रोज 21 दिनों तक किसी भी इच्छा को इस तरह मांगते हैं, मनोकामना बोलते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 21 दिनों बाद आपकी इच्छा पूरी ना हो। लेकिन 21 दिनों तक आपको पूरा संयम बनाकर रखना है। किसी भी तरह का कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। इस प्रयोग से निश्चित ही कैसी भी इच्छा हो जरूर पूरी होती है। यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी प्रयोग है दोस्तों। लेकिन यह प्रयोग हमने उन लोगों के लिए बताया है जो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, अपनी चिंताओं में, टेंशन में डूबे रहते हैं, तो भूलकर भी इसका मिसयूज ना करें। यह प्रयोग किसी का अच्छा करने के लिए, अपना अच्छा करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी बुरा करने के लिए आप बिल्कुल इस प्रयोग को ना करें,
क्योंकि फिर यह प्रयोग आपके ऊपर ही बैकफायर कर सकता है। अगर आप किसी दुश्मन से छुटकारा लेना चाहते हैं, किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा या मनोकामना किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। इस बात का खास ध्यान रखें, सिर्फ अपने अच्छे के बारे में सोचें। हम हमेशा ही आपको यह चीजें बताते हैं, किसी का भी बुरा करने के लिए बिल्कुल भी ना सोचें। अगर कोई दुश्मन आपको परेशान करता है तो आप यह बिल्कुल भी ना सोचें कि उसको किस प्रकार नुकसान पहुंचाना है, बल्कि आप यह सोचें कि वह आपके साथ दोस्ती का व्यवहार किस तरह करें, या आपसे दूर चला जाए, या आपको परेशान बिल्कुल भी ना करें। तो इसीलिए इस तरीके को प्रयोग करते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी मिसयूज के लिए इस प्रयोग को नहीं करना है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा करने के लिए या दूसरों का अच्छा करने के लिए इस प्रयोग को जरूर कर देखें। 21 दिन बाद आपको खुद ही इसके प्रमाण आपके सामने होंगे। इसमें निश्चित ही सफलताएं मिलती है। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छी तरह से सभी बातों को समझ सकते हैं। हमने जितनी भी बातें आपको बताई है, आप शुरू से लेकर आखिरी तक इन सभी बातों को ध्यान रखकर नोट कर अच्छी तरह से इस प्रयोग को उसी प्रकार कर देखें। इसमें निश्चित ही 100% आपको ही सफलता मिलनी है, और आपकी इच्छा जो भी आपने मांगा है, 21 दिनों बाद ऐसे संयोग बनेंगे कि आपके पास सही चीज होगी, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, 21 दिनों बाद आपके पास होगी। क्योंकि यह प्रयोग करने से कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, ऐसे योग बनते हैं। ऐसी चीजें होने लगती है कि आपकी इच्छा को पूरा होना ही पड़ता है। यह प्रयोग 3:20 के करने के बाद आप सो सकते हैं या कोई और कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में आपको फिर ना ही किसी से बताना है और ना ही सोचना है। हमारे वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके अच्छे कर्म बेयाच सके, क्योंकि इससे सभी लोगों की मदद होती है और आपके अच्छे क्रम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बस आपको 21 दिनों तक चुपचाप यह प्रयोग करते रहना है। यह बड़ा ही शक्तिशाली तरीका है, जिसका इस्तेमाल आप जरूर करें। अब दोस्तों, इस प्रयोग को लेकर आपका कैसा भी डाउट है, परेशानी है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। एक लाइक जरूर करें।